और फाइनली आपको मिल जाते हैं बहुत सारे ट्यूब्स। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लोविक के रेजिस्टेंस ट्यूब सेट के बारे में। अभी रेजिस्टेंस ट्यूब सेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको रेजिस्टेंस ट्यूब नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको मिलता है बैग, आपको मिलता है एंकल स्ट्रैप्स, आपको देखने को मिल जाएगा डोर एंकर और बैग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। और बहुत दिनों से मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्लोविक के रेजिस्टेंस ब्रांड पे एक अच्छा सा रिव्यू बनाओ, क्योंकि होता क्या है कि बाकी अगर ब्रांड्स आप कंपैरिजन करोगे स्लोविक का, तो यहाँ पे आपको ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। जहाँ बाकी ट्यूब सेट जो होते हैं वो 1,500 से 2,000 के रेंज के बीच में आते हैं, वहीं स्लोविक आपको 1,000 रुपये के अंदर में मिल जाता है। सो आज बात करेंगे इसकी क्वालिटी की, कैसा प्रोडक्ट है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं, अनबॉक्स भी करेंगे इस बॉक्स को पूरा पूरा, और कॉस्ट वगैरह की भी बात होगी। सो इंश्योर करें इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो जो सबसे पहला और सबसे मेजर बेनिफिट है इस ट्यूब सेट का, वो ये है कि आप इससे हर तरह का वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो। आपको लेग्स ट्रेन करना हो, आपको एब्स ट्रेन करना हो, आपको शोल्डर, लेग्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, शोल्डर, जो भी आपको वर्कआउट करना हो, किसी भी तरह का वर्कआउट करना हो, आप वो सारे वर्कआउट कर सकते हो इस ट्यूब सेट की हेल्प से। और किस तरह से वर्कआउट परफॉर्म करोगे, सो ऑलरेडी इसमें आपको एक एक्सरसाइज गाइड दी हुई है, बट आई थिंक आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे चैनल पर ऑलरेडी सीरीज़ है जिसमें मैंने बताया कि सिर्फ ट्यूब सेट का यूज़ करके आप किस तरह से अपने वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो। सो दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे एक आपको लंबी रेंज मिल जाती है 10, 20, 30, 40, 50 की। सपोज़ आपको अगर 60 रेजिस्टेंस चाहिए तो 60 के लिए आप क्या करोगे, 50 का एक लोगे और एक 10 का ट्यूब लोगे, दोनों को कंबाइन करोगे, दोनों को अटैच करोगे अपने हैंडल में और अपने वर्कआउट को आप परफॉर्म कर सकते हो। चलते हैं देखते हैं अनबॉक्स करके कि इस बॉक्स में अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सो बेसिकली ये बॉक्स है, आप देख सकते हो बॉक्स सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कलाकारी नहीं है। सो बॉक्स के खोलने पे सबसे पहले जो चीज़ मिलती है आपको मिलती है ये पुस्तिका, सारे वर्कआउट बताए गए हैं कि किस तरह से आप अपना वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको एक बैग देखने को मिल जाएगा, बैग की क्वालिटी डिसेंट है, यहाँ पे स्लोविक का लोगो है, और इसे खोलते हैं, अब देखते हैं बैग के अंदर कंटेंट क्या क्या है, मटेरियल क्या क्या है। सो आपको यहाँ पे मिल जाता है एक डोर एंकर। डोर एंकर बेसिकली क्या होता है कि आप अपने दरवाजे में से फंसा सकते हैं, सो ये वाला पोर्शन आपके दरवाजे में फंस जाएगा, और ये जो दूसरा सेक्शन है यहाँ पे अपने ट्यूब को आप लगा के अपना वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पे आपको ये हैंडल्स दिख जाएंगे विथ स्नैप हुक, छोटा वाला स्नैप हुक है यहाँ पे। अंदर अगर देखोगे तो प्लास्टिक है और ऊपर एक फोम टाइप की पैडिंग दी हुई है, अभी तो स्ट्रांग लग रहा है मुझे, अभी कोई इसमें इशू नहीं दिखा। साथ में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं दो एंकल स्ट्रैप, सो बेसिकली आपको अगर कर्ल्स करने होंगे, एक्सटेंशन वगैरह परफॉर्म करना होगा, तो डेफिनेटली आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसे अपने पैरों में आप लगा सकते हैं और उसके बाद से यहाँ पे अपने बैंड को अटैच कर सकते हैं और अपना वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। और फाइनली आपको मिल जाते हैं बहुत सारे ट्यूब्स। सो यहाँ पे आपको 5 ट्यूब्स मिलते हैं। सबसे पहले येलो वाला है जो कि आपको करीब 4.5 किलो का रेजिस्टेंस देता है, अराउंड 10 LBS। दूसरा है यहाँ पे रेड कलर का, यहाँ पे ये आपको देता है 9 LBS का रेजिस्टेंस जो कि हो गया 20 LBS। तीसरा है ब्लैक बैंड, ब्लैक बैंड बेसिकली आपको देता है 13.6 kg यानी 30 LBS का। ऑरेंज बैंड जो कि देगा आपको 40 LBS का जो कि हो गया 18.5 kg। और लास्ट में है आपका पर्पल कलर जो कि 50 LBS अराउंड 22.9 kg का रेजिस्टेंस देता है। सो यहाँ पे आपको ये 5 बैंड दिख जाते हैं जिनकी रेंज है 10 LBS से लेके 50 LBS तक। अगर आपको कंबाइन करना है, सपोज अगर आपको 60 LBS बनाना है तो आपको ये 50 LBS लेना है और एक 10 LBS लेना है, इन्हें अटैच करना है अपने स्नैप हुक में, और इस तरह से दूसरा जो इसका सिरा है आप इसे अटैच कर सकते हो अपने डोर एंकर में। सो एक बार अभी इसका यूज़ करके देख लेते हैं, यूज़ करने में कितना कंफर्टेबल है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक बार यूज़ करते हैं उसके बाद बात करेंगे क्वालिटी की और कॉस्ट की।
सूट जब आप इसे डोर एंकर को लगाओगे तो इसको लगाने का तरीका क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपके डोर के बाहर होगा और ये वाला पोर्शन आपका डोर के अंदर होगा जिधर साइड आप रहोगे, क्योंकि इसी में आप अपने ट्यूब को या बैंड को फंसाओगे। सो इसे बाहर फेंक के दरवाजे को बंद करते हैं। सो यहाँ पे दरवाज़ा बंद हो गया, अब आपको इसमें अपने अटैच करना है ट्यूब को और ये वाला पार्ट जो है आपको इसको इसमें डालना है एंड फिर से अपने हैंडल्स को अटैच कर लेना है। सो यहाँ पे आपका रेडी हो गया। सो वर्कआउट करने में कोई ऐसा इशू नहीं लगा मुझे, वर्कआउट आराम से हो रहा था, बट एक मुझे प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे, ये जो इसकी क्वालिटी है, जो इसका रबर है, जो इसका मटेरियल है, वो अप टू द मार्क नहीं है। बट यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी दिख रही है अभी से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ दिख रही है, और मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म जब हम इसे यूज़ करेंगे तो यहाँ जॉइंट से ये टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी देख लो ये 30 LBS का है और जब मैं इसे खींच रहा हूँ तो काफ़ी पतला हो जा रहा है यहाँ पे। और नॉर्मली जो ट्यूब होती है इतनी ज़्यादा पतली नहीं होती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होती है, कम थोड़ा सा स्ट्रेच होती है। सो आई थिंक ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कॉस्ट की बात कर लेते हैं तो कॉस्ट इसकी बहुत सस्ती है, करीब 1000 रुपये में इस सारी चीज़ें दे दिया है, और नॉर्मल अगर हम ब्रांड की बात करें तो 1500 से 2000 के रेंज में हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बट यहाँ पे अगर कॉस्ट की बात करें तो क्वालिटी में भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, जो इसके रबर की क्वालिटी है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, और इसे जब आप रबर को हाथ में लोगे तो भी आपको हाथ में ड्राइनेस फील होगी। सो आई थिंक रबर में अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। कॉन्क्लूजन पे आ जाते हैं, कॉन्क्लूजन क्लियर है कि क्वालिटी वाइज ये अच्छा नहीं है, कॉस्ट वाइज अच्छा है। कॉस्ट के हिसाब से अगर क्वालिटी देखोगे तो ठीक ठीक सा है, बट जो बिगिनर्स हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हो, इसे लेके वर्कआउट करना अपना शुरू कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशन मत रखना, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, प्रॉब्लम्स आना आपको जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, टूटने का खतरा है, और टूटता है यार तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। सो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ट्यूब्स को थोड़ा सा अवॉइड करो, अगर ट्यूब के साथ जाना है तो नेचुरल लेटेक्स वाले ट्यूब के साथ जाओ, बुलमार्क वगैरह अच्छे ब्रांड हैं उनके साथ जाओ, बट इसके साथ मत जाना, 1000 रुपये आपके वेस्ट होंगे, 500 रुपये और खर्च करो और दूसरे ट्यूब्स ले लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।